हमीरपुर जिला में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने के चलते जिला प्रशासन ने पूरी सतर्कता दिखाना शुरू की है और आज से हमीरपुर के मिनी सचिवालय में कामकाज करवाने के लिए आने जाने वाले हर व्यक्ति का डाटा नोट किया जाएगा तो थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी के चलते सुबह आने वाले कर्मचारियों के अलावा दिनचर्या के कामों को करवाने के लिए पहुंचे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई तो पूरा डाटा भी नोट किया गया। कोरोना पॉजिटिव के दिनों दिन हमीरपुर में मामलों में बढ़ोतरी होने से जिला प्रशासन ने अब ये फैसला लिया है। SDM हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि जिला में कोरोना पॉजिटिव के मामलों के बढ़ने से प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब सरकारी कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और इसी के चलते आज से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है तो साथ में हर व्यक्ति का डाटा भी नोट किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी कोरोना बीमारी के प्रति एहतियात बरतने की अपील की है। आपको पता है कि हाल ही नवंबर के महीने में हमारे पूरे प्रदेश में कोविड के केसेस ज्यादा बढ़े हैं और उसी तादाद में हमीरपुर में ही हमारे केसों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश सरकार ने 4 जिलों में तो नाइट को कर्फ्यू लगाने का आदेश भी कर दिए है और हमीरपुर में हमारे जो आप स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है और पहले से भी ये हो रही थी। तो क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं इसलिए डीसी ऑफिस में हमने एम्प्लॉय को तैनात कर दिया कि जो भी यहाँ एंटर होगा उसका पहले आप उसकी स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्कैनिंग होगी, उसका हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद इसको बिल्डिंग में एंटर करने दिया जाएगा।